हेलो एवरीवन सो आज की वीडियो में ना आप ये चीज़ देखेंगे कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो कई बार वो जो इंग्लिश होती है वो ग्रामर को चैलेंज करती है मतलब वो सारे के सारे जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करती है और ऐसा ना हिंदी में भी होता है जब हम बोलते हैं जैसे कि मैंने बोला जा रहा है मैंने सिर्फ इतना बोला कि जा रहा है तो अगर मैं इसको ग्रामेटिकली जाऊं प्रॉपर हिंदी के तो वहां पे आना चाहिए क्या तुम जा रहे हो लेकिन हम हिंदी में कैसे बोलते हैं जा रहा है हम ऐसे पूछ लेते हैं सो सेम इंग्लिश में भी होता है इंग्लिश में भी आप हमेशा जब बोलते हैं सो so, ग्रामर के सारे रूल्स के हिसाब से नहीं बोलते हैं आप उन सेंटेंसेस को सिचुएशन के हिसाब से बोलते हैं ठीक है तो आज आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगी इस वीडियो में तो आपको क्या करना है आपको हिंदी सुननी है और उसको माइंड में ट्रांसलेट करना है अपने और फिर मैच करना है आपका सेंटेंस कितना सही से है कितना गलत है ये बहुत अच्छा तरीका है आपको आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस करने का जो डेली के बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे इसने बोला है कि मेरी सैलरी बढ़ गई है अब देखिए सैलरी बढ़ना उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ठीक है ऑफिस में जब हमें इंक्रीमेंट मिलता है तो हमारी सैलरी बढ़ी है पोजीशन बढ़ी है तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट सो इसने बोला मेरी सैलरी बढ़ गई है आई हैव गॉट एन इंक्रीमेंट आई हैव गॉट एन इंक्रीमेंट अब कोई चीज मिल जाना पा लेना उसको हम गेट के फॉर्म में यूज करते हैं मुझे कोई खोई हुई चीज़ भी अगर पा जाती है तो मैं वहां भी गेट बोलूंगा मैं चाबी ढूंढ रहा हूं और मैंने बोला आई गॉट इट आई गॉट माई कीज कि मुझे चाबी मिल गई है ठीक so, है सो मेरी सैलरी बढ़ गई है आई हैव गॉट एन इंक्रीमेंट आई हैव गॉट एन इंक्रीमेंट मैंने तुमसे इतनी बार कहा है आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स मैंने तुमसे इतनी बार कहा है आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स मैंने तुमसे इतनी बार कहा है अपनी सैलरी के बारे में बात ना करने के लिए अपनी सैलरी के बारे में बात ना करने के लिए टू नॉट टॉक अबाउट योर सैलरी तो पूरा यहाँ पर क्या बना आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स टू नॉट टॉक अबाउट योर सैलरी अपनी सैलरी के बारे में बात ना करने के लिए अभी ये पूछ रहा है क्या तुमने मेरे फ़ोन के बिल फ़ोन बिल का भुगतान किया अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है हम जब अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं तो हम कई बार ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो हम इंग्लिश में ही बोलते हैं ठीक है उनको हम हिंदी में ज़्यादातर बोलते भी नहीं है कुछ एरियाज़ हैं इंडिया के जहाँ पर बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोली जाती है लेकिन ज़्यादातर जगह नहीं बोली जाती है अब अगर ये बात मुझे बोलनी हो कि क्या तुमने मेरे फ़ोन के बिल का भुगतान किया तो मैं तो सिंपल यहाँ पर ये पूछता हूँ कि क्या तुमने मेरे फ़ोन का बिल पे किया क्या तुमने मेरे फ़ोन के बिल के पैसे दिए तो हम ऐसे बोलते हैं लेकिन अब मैं अगर मैं ये बोलूँगी क्या तुमने मेरे फ़ोन के बिल के पैसे दिए सो तो वहाँ पर अगर मैं ग्रामेटिकली जाऊँगा तो वहाँ मनी आ जाएगा ड्यू डी गिव द मनी सो तो वो चीज़ सेंस बनाएगी नहीं सो तो आपको जो हिंदी में बोलते हो आप उसको वैसे ही बोलिए लेकिन उसका सेंस पकड़ना जरूरी है सो तो यहाँ पर इसका सेंस क्या बना क्या तुमने मेरे फ़ोन के बिल का भुगतान किया है यहाँ सेंस ये बनेगा सो अगर मैं बोलूँ क्या तुमने मेरे फ़ोन के बिल के पैसे दिए डिड यू पे माई फ़ोन बिल पे करना मतलब किसी चीज़ का भुगतान करना सो डिड यू पे माई फ़ोन बिल डिड यू पे माई फ़ोन बिल क्या तुमने मेरे फ़ोन के बिल का भुगतान किया क्या तुमने मेरे फ़ोन के बिल के पैसे दिए डिड यू पे माई फ़ोन बिल डिड यू पे माई फ़ोन बिल हाँ मुझे नोटिफिकेशन आई थी अब देखिए नोटिफिकेशन मैंने आपको अभी बताया था कि हम कई वर्ड्स होते हैं जो हम इंग्लिश में ही बोलते हैं अब कोई भी हो वो नोटिफिकेशन ही बोलता होगा जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका अगर फोन में किसी चीज़ की नोटिफिकेशन आती है तो आप क्या बोल देगे नोटिफिकेशन ये आई है कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन आई वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन अब नोटिफिकेशन को शुद्ध हिंदी में बोलेंगे अधिसूचना अधिसूचना कि उसकी सूचना आपको मिली ठीक है और ज्यादातर लोग इसको नोटिफिकेशन ही बोलते हैं हां मुझे नोटिफिकेशन आई थी या आई गॉट एन आई गॉट अ नोटिफिकेशन यस आई गॉट अ नोटिफिकेशन अब कोई चीज आई थी मिली थी मुझे सो so, फिर गेट का यूज हुआ तो ये सेकंड फॉर्म है गॉट अ नोटिफिकेशन मेरे पास नोटिफिकेशन आई थी इसलिए मैंने भुगतान कर दिया या फिर इसीलिए मैंने पैसे दे दिए एक ही बात बनेगी इसीलिए मैंने भुगतान कर दिया इसीलिए मैंने इसका भुगतान कर दिया सो आई पेड इट अब हिंदी में देखो कितना बड़ा है इसीलिए मैंने इसका भुगतान कर दिया so, अब अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ जैसा हम रोज़ बोलते हैं इसीलिए मैंने इसके पैसे दे दिए ठीक है थीके? ऐसे सो आई पेड इट सो आई पेड इट मैंने इसका भुगतान कर दिया सो आई पेड इट सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारी तनख्वाह मुझसे ज़्यादा है अब देखिए सिर्फ इसीलिए हम कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि आ, सिर्फ इसीलिए कि मैं उसको पसंद करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है मैं उसको डांटूंगा नहीं ठीक है सो so, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज तो यहाँ पे इसने क्या बोला सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारी तनख्वाह मुझसे ज़्यादा है जस्ट बिकॉज़ योर सैलरी इज़ हायर दैन मी ठीक तो है, है अब जस्ट बिकॉज अगर आपने लगाया है ना तो आपकी के लिए आप दैट लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है अब बिल्कुल अगर ग्रामेटिकली जाओगे लिखने के लिए तो वहाँ दैट लगा देना हम अपने कन्वर्सेशन में लगाएं ना लगाएं कोई इशू नहीं है ठीक है सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारी तनख्वाह मुझसे ज़्यादा है जस्ट बिकॉज दैट योर सैलरी वो भी ठीक था जस्ट बिकॉज योर सैलरी इज़ हायर दैन मी जस्ट बिकॉज योर सैलरी इज़ हायर दैन मी सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारी तनख्वाह मुझसे ज़्यादा है अब हायर दैन टी एच ए एन है टी एच ई एन नहीं है क्योंकि जहाँ पर हम कंपेयर करते हैं आई एम टॉलर देन यू मैं तुमसे लंबा हूं तो टी एच एन आता है ना कि टी एच ई एन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे फोन के बिलों को भरोगी ठीक है अब आप देखेंगे कई जगह जस्ट बिकॉज जब हम यूज करेंगे ना सो वहां पे ये फिर डज डू do, ये सब चीज़ें लगती है कि जैसे मैं उसको बोलूं कि अगर मैं उससे प्यार सिर्फ इसीलिए कि मैं उसको पसंद करता हूं इसका मतलब ये नहीं है मैं उसको नहीं मारूंगा तो वहां पे डज ज़्यादातर आप उसको डज लगा हुआ देखेंगे वहां पे सो मैं बोलूंगा कि जस्ट बिकॉज आई लाइक हिम या फिर डज जस्ट बिकॉज आई लव हिम डजन मीन आई एल नॉट स्कोल्ड हिम इसका मतलब ये नहीं है तो डजन मीन आप ज़्यादातर देखेंगे ठीक है इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे फोन फोन के बिलों को भरोगी डजेंट मीन विल पे माई फोन बिल्स मीन विल पे माई फोन बिल्स ठीक है मुझे कुछ पैसों पैसो की जरूरत है अभी इसका छोटा भाई है लड़के का छोटा भाई है इसने बोला मुझे कुछ पैसों की जरूरत है नीड सम मनी आई नीड सम मनी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है नीड सम मनी अरे हाँ तुझे अपने कॉलेज की फीस भरनी है ना अब देखिए ये है ना जो एंड में जो है ना है जब हम कैजुअल टॉक कर रहे हैं अपने साथ वालों के साथ या फिर अपने छोटे वालों के साथ तो वहाँ पे हम है ना के लिए राइट right लगा देंगे ठीक है लेकिन अगर आप कोई फॉर्मल कुछ चीज़ लिख रहे हैं या फिर अपने सीनियर से बात कर रहे हैं ठीक है या फिर आप कोई फॉर्मल मेल लिख रहे हैं बुक लिख रहे हैं कुछ भी को, कोई कंटेंट लिख रहे हैं कुछ भी लिख रहे हैं वहां पे अगर है ना की बात आती है सो वहां पे मैंने कई बार बताया है कि जो आपका वर्ब है जो डू डज एज इज एम आर ये है और फिर उसके साथ नॉट और जो पर्सन है वो लगा देते हैं जैसे मैंने बोला कि मैंने तुमको ये बताया था ना आई टोल्ड यू डेंट आए अब आई told यू ये कौन सा से सेंटेंस है Past एंड डेफिनेट डेट छुपा हुआ है अब मैं ना अगर बोलूँ सो आई टोल्ड यू डेंट आए मैंने तुमको बताया था ना ऐसे लेकिन अगर हम कैजल में बात करते हैं, तो राइट का यूज कर देते हैं कैजअली अगर हम बात कर रहे हैं अपने साथ वालों से अपने छोटों से तो हम राइट का यूज कर देते हैं अरे हाँ तुझे अपने कॉलेज की फीस भरनी है ना ओ राइट यू हैव टू पे योर कॉलेज फी राइट ठीक है अब जो एंड वाला राइट है ना एंड वाला लास्ट वाला ये है ना वाला राइट यू हैव टू पे योर कॉलेज फ़ीस राइट तो मुझे अपने कॉलेज की फ़ीस भरनी है ना तो जब अपने कॉलेज की फ़ीस भरनी है ना यू हैव टू पे योर कॉलेज फ़ीस राइट नहीं नहीं वो मैंने भाभी से ले लिए ठीक है नहीं नहीं वो मैंने भाभी से ले लिए नो नो आई टुक दैट फ्रॉम सिस्टर इन लॉ नो नो आई टुक दैट फ्रॉम सिस्टर इन लॉ वो मैंने भाभी से ले लिए एक ही बात है अब हम जब इसको हम बोल रहे हैं ना एक ही बात है इट्स द सेम थिंग इट्स द सेम थिंग एक ही तो बात है इट्स द सेम थिंग इट इज द सेम थिंग इसने बोला नहीं एक बात नहीं है नो इट्स नॉट द सेम थिंग नो इट्स नॉट द सेम थिंग एक बात नहीं है इट्स नॉट द सेम थिंग अब इसने फोन करके पूछ रहा है क्या तुमने करुण को पैसे दिए डिड यू गिव मनी टू करुण क्या तुमने करुण को पैसे दिए डिड यू गिव मनी टू करुण डिड यू गिव मनी टू करुण उसकी कॉलेज फीस के लिए फॉर हिज कॉलेज फीस उसकी कॉलेज की फीस के लिए फॉर हिज कॉलेज फीस फॉर हिज कॉलेज फीस हाँ उसने मुझसे मांगे तो मैंने उसे दे दिया अब देखिए मांगने को ना एक तो होता है बैग जो आपको पता होगा वो तो होता है बिल्कुल गिड़ गिड़ाना वैसे मांगना लेकिन जब हम किसी हक से कुछ मांगते हैं ना हक से जब कोई चीज़ मांगते हैं हाँ, ये हमारा हक है तो आस्क फॉर होता है वहां पे हम यूज़ करते हैं आस्क फॉर ठीक है डिमांड होता है कि मैं उस चीज को मतलब किस डिमांड कर रहा हूं कि उस चीज के लिए Uh, मतलब उसकी uh, वो चीज़ है नहीं मैं सिर्फ एक डिमांड कर रहा हूँ तो डिमांड एक अलग चीज होती है अब मैं कोई चीज़ से मांगता हूँ ना तो आस्क फॉर सो हम इसको बहुत कैजुअल टर्म में यूज करते हैं अब जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे पास बराबर में कोई लड़का है और मुझे पेन चाहिए मुझे दिख रहा है उसके पास एक्स्ट्रा पेन है सो कहना है आस्क फॉर दिस पेन सो वो एक आस्क फॉर हो जाता है कि हाँ चल ठीक है आ, मांग रहा हूँ मैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गिड़गिड़ा के मांग रहा हूँ नहीं ठीक है सो हाँ उसने मुझसे मांगे तो मैंने उसे दे दिया या आस्ट मी सो आई गेव इट टो हिम ठीक है अब यहाँ पे फॉर का यूज नहीं किया है he asked me, उसने मुझसे मांगे ठीक है उसने मुझसे कहा उन पैसों के लिए ठीक सो so, यहाँ पे आस्ट का ऐसे यूज किया गया है सो आस्ट मी सो आई गेव इट to हिम हाँ उसने मुझसे मांगे तो मैंने उसे दे दिए सुनो मैं जानता हूं जो खेल तुम खेलने की कोशिश कर रही हो सुनो मैं जानता हूँ जो खेल तुम खेलने की कोशिश कर रही हो लिसन आई नो द गेम यू आर राइट टू प्ले लेसन आई नो द गेम मैं खेल जानता हूँ यू आर ट्राइंग टू प्ले जो तुम खेलने की कोशिश कर रही हो अब देखिए यहाँ पे जो के लिए कुछ नहीं लगाया ठीक है यहाँ पे विच लगा सकते थे वॉट लगा सकते थे लेकिन कोई अगर आप लिखेंगे तो लगा दीजिए नॉर्मल जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे आप इसको सिंपल भी रख दीजिए लेसन आई नो द गेम यू आर ट्राइंग टू प्ले मैं जानता हूँ क्या खेल खेलने की कोशिश कर रही हो तुम मैं जानता हूँ जो खेल खेलने की कोशिश कर रही हो तुम तो अगर यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल फॉर्मल लिखता तो मैं कैसे लिखता लेसन आई नो द गेम विच यू आर ट्राइंग टू प्ले आई नो द गेम विच यू आर ट्राइंग टू प्ले ठीक है आप ऐसे ही बोल सकते हो आई नो द गेम यू आर ट्राइंग टू प्ले ठीक है सो so मैं जानता हूं जो खेल तुम खेलने की कोशिश कर रही हो आई नो द गेम यू आर ट्राइंग टू प्ले मुझे तुम्हें कुछ बताना है मुझे तुम्हें कुछ बताना है आई हैव टू टेल यू समथिंग आई हैव टू टेल यू समथिंग या फिर आई हैव टू टेल यू समथिंग बोलिए आई नीड टू टेल यू समथिंग बोलिए आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग बोलिए तीनों का सेंस यहाँ पे बिल्कुल ठीक आएगा ठीक है ऐसा नहीं है कि अगर आपने वॉन्ट टू बोल दिया नीड टू बोल दिया तो गलत हो गया ना

ठीक है तो मतलब अगर इसीलिए जगह आप तो लगा दो तो हम वहां शिफ्ट होने वाले हैं वो भी सही है इसीलिए लिए सो लगा दो तो भी सही है कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सो की जगह दैट्स लगा दो कि मेरी नौकरी वहां लग गई है इसीलिए हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं दैट इज वाई वी आर गोइंग टू शिफ्ट वो भी बिल्कुल ठीक है ठीक सो भी बिल्कुल ठीक है इसीलिए हम वहां शिफ्ट हो रहे होने वाले हैं सो वी आर गोइंग टू शिफ्ट देयर अब देखिए गोइंग टू इसका मतलब वहां जा रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है कोई चीज होने वाली है आई एम गोइंग टू

गोइंग टू शिफ्ट देयर लेकिन मेरी नौकरी का क्या अब लड़की ने पूछा है यहाँ पर लेकिन मेरी नौकरी का क्या बट वॉट अबाउट माई जॉब बट वॉट अबाउट माई जॉब लेकिन मेरी नौकरी का क्या बट वॉट अबाउट माई जॉब मेरी सैलरी तुम्हारी से ज़्यादा होगी मतलब मेरी सैलरी तुम्हारी सैलरी से ज़्यादा होगी ठीक है अब इसको हम कैसे बोलेंगे माई सैलरी विल बी मोर देन योर्स ठीक है अब यहाँ पे फिर कंपेयर किया है तो टी एच ए एन तो मेरी सैलरी तुम्हारी सैलरी से ज़्यादा होगी सो माई सैलरी विल बी मोर देन योर्स माई सैलरी विल बी मोर देन योर्स ठीक है अब अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा रंग तुमसे सांवला है ठीक है या फिर मेरा रंग तुमसे गोरा है या फिर मैं तुमसे गोरा हूँ सो आई एम फेयर देन यू माई कॉम्प्लेक्शन इज़ फेयर देन योर्स ठीक है सो माई सैलरी विल बी मोर देन योर्स मेरी सैलरी तुम्हारी से ज़्यादा होगी और मैं अब तुम्हारे एहसानों के तले और नहीं रहना चाहता ठीक है अब किसी के एहसानों के तले एहसान क्या होते हैं हम इसको बोलते हैं फेवर ठीक है फेवर हम इस तरीके से बोल देंगे कैजुअल एहसान को फेवर अब देखिए यहां पर रेले जो हमने एक एक होता है ना यू कैन ऑन मी कि तुम मतलब मेरे पे भरोसा कर सकते हो तुम मेरे तले रह सकते हो एक वो चीज होती है तुम तो मेरे तले रह सकते हो तुम पे भरोसा कर सकते हो तो तले के लिए एक सेंस ना रिले आ जाता है बिल्कुल कैजुअल टोन में और मैं अब तुम्हारे एहसानों के तले और नहीं रहना चाहता एंड आई डोंट वॉन्ट टू रिले ऑन योर फेवर एनीमोर एंड आई डोंट वॉन्ट टू रिले

पागल हो गए हो क्या अब जो हम ऐसे बोलते हैं पागल हो गए हो क्या सो यहाँ पे बोला हैव यू लॉस्ट इट अब हैव यू लॉस्ट इट को अगर आप वैसे ट्रांसलेट करोगे क्या तुमने क्या तुमने वो खो दिया है ऐसा सेंस आएगा लेकिन हैव यू लॉस्ट इट इस टर्म का हम यूज करते हैं जब किसी को बोलते हैं ना कैजुअल अपने दोस्त को अपने से छोटों को यार पागल वागल हो गए हो क्या अपने बराबर वालों के यार पागल हो गया है क्या सो हम वहां बोलते हैं हैव हैव यू लॉस्ट इट यू लॉस्ट इट पागल हो गए हो क्या क्या एहसान वॉट फेवर्स वॉट फेवर्स क्या एहसान <coughs> अब देखिए यहाँ पे अगर इसको आप ऐसे सेंस में लेंगे ना कौन से एहसान और फेवर्स ऐसी चीज़ है जिस तो मतलब कि अगर अब हम बहुत सारे एहसानों की बात कर रहे हैं और वो काउंटिंग मतलब काउंट नहीं किए जा सकते सो वहाँ पे हम वाट का यूज़ कर देते हैं जो चीज़ काउंट की जा सकती है वहाँ हम विच का यूज़ कर देते हैं तो अगर यहाँ पे ऐसा भी सेंस होता है कि कौन से एहसान तब भी वाट फेवर्स ठीक था क्या एहसान वाट फेवर्स वो भी ठीक है हम एक दूसरे के साथ मुकाबला क्यों कर रहे हैं ठीक है प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन मुकाबला ठीक है हम एक दूसरे के साथ मुकाबला क्यों कर रहे हैं वाई आर वी कंपीटिंग विद ईच अदर कंपटीशन ठीक है कंपटीशन मुकाबला होता है कॉम्पीट का मतलब होता है मुकाबला करना कंपटीशन होता है मुकाबला ठीक है देर इज अ कंपटीशन बिटवीन यू एंड मी हम दोनों के बीच में एक मुकाबला है ठीक है अब हम दोनों के बीच में मुकाबला है लेकिन हम अगर मैं मुकाबला कर रहा हूँ तो आई एम कंपटीटर ठीक है और हम मुकाबला दोनों कर रहे हैं तो हम वी आर कम्पीटिटिंग विद ईच अदर हम एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं ठीक है सो वी आर विद ईच अदर कम्पीटिंग कंपीटिंग का मतलब होता है मुकाबला करना सो so हम एक दूसरे के साथ मुकाबला क्यों कर रहे हैं वाई आर वी कम्पीटिंग विद ईच अदर नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है वाई आर वी कंपीटिंग विद ईच अदर हम एक दूसरे का मुकाबला क्यों कर रहे हैं तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कोई मुकाबला था ही नहीं ठीक है तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कोई मुकाबला था ही नहीं देयर वॉज नेवर एनी कॉम्पिटिशन बिटवीन यू एंड मी देयर वॉज नेवर एनी कॉम्पिटिशन बिटवीन यू एंड मी तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कोई मुकाबला था ही नहीं ठीक है किसी चीज़ की प्रेजेंस बताते हैं तो वहाँ पर देयर का यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो देयर वॉज अ बॉय वहाँ एक लड़का था एक लड़का हुआ करता था तो वो कोई चीज़ को हुआ ही नहीं करती थी तो देयर वॉज नो कॉम्पिटिशन की तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कोई मुकाबला था ही नहीं देयर वॉज नेवर एनी कॉम्पिटिशन बिटवीन यू एंड मी ठीक है और रही बात यूके शिफ्ट होने की अब ऐसे भी हम बोलते हैं ना और रही बात इसकी एंड अबाउट शिफ्टिंग टू यूके ठीक है और यूके होने की जो बात रही ठीक है यूके होने के यूके शिफ्ट होने के बारे में सो हम इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि और बात रही इस चीज की और इंग्लिश में हम बोल देंगे एंड अबाउट शिफ्ट एंड अबाउट डूइंग सो कि बात रही ये करने की ठीक है सो यहां कह रही है और रही बात यूके शिफ्ट होने की एंड अबाउट शिफ्टिंग टू यू भले ही मुझे अपनी नौकरी से प्यार है अब ऐसा हम भले ही के लिए यू कर, यूज करते हैं इवन दो इवन दो इवन दो ही इज माई यंगर ब्रादर भले ही वो मेरा छोटा भाई है बट ही इज माई स्टूडेंट फर्स्ट लेकिन पहले वो मेरा विद्यार्थी है ऐसे हम बोलेंगे सो so भले ही मुझे अपनी नौकरी से प्यार है ईवन दो आई लव माई जॉब ईवन दो आई लव माई जॉब भले ही मुझे अपनी नौकरी से प्यार है ईवन दो आई लव माई जॉब मैंने तुम्हें चुना है ठीक है मैं, या फिर मैंने तुम्हें चुना ठीक तो यहाँ पे चुनना है अब ये कौन सा तो सेंटेंस बन जाएगा यहाँ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आई चूज़ यू सेकंड फॉर्म में मैंने तुम्हें चुना ठीक है अब हिंदी में हम बोलते हैं ना कि मैंने तुम्हें चुना है तो वो पास्ट की चीज़ है कि मैंने तुम्हें चुना हुआ है ठीक है सो वहां पे आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट से बना सकते हैं कि मैं तुम्हें चुन चुकी हूं या फिर आप नॉर्मल जो कैजुअल टोन है आप बिल्कुल अगर ग्रामेटिकल जाओगे कहीं लिखने के लिए सो वहां पर आप यूज़ करो कि अपना पास्ट परफेक्ट सेंटेंस क्योंकि कोई चीज़ पास्ट में की गई है इंपैक्ट अभी भी है मैंने चूज कब किया था पास्ट में लेकिन अभी भी हम साथ में है ना अभी भी तुम मेरी तुम मेरी तुम मेरे चुने हुए इंसान हो ना सो वो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में हम कैजुअल टोन में जब नॉर्मल बात कर रहे हैं तो वहां पे हम इसको पास्ट एंड बोल सकते हैं ठीक है तो ये चीजें होती हैं जो चैलेंज करती हैं ग्रामर को ठीक तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इंग्लिश बोलने की तो सोचना बिल्कुल आ, बिल्कुल मतलब एक एक, एक चीज़ सोचनाली सोचना वो आपको कंफ्यूज करता रहेगा सो so मैंने तुम्हें चुना है आई चूज यू आई चूज यू ठीक है तो यहाँ पे क्या बोला भले ही मुझे मेरी नौकरी भले ही मुझे अपनी नौकरी से प्यार है इवन दो आई लव माई जॉब आई चूज यू क्योंकि तुम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो क्योंकि तुम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो बिकॉज यू आर मोर इम्पॉर्टेंट टू मी बिकॉज यू आर मोर इम्पॉर्टेंट टू मी तुम मेरे लिए ज्यादा जरूरी हो अब इससे पूछिए हम यू के कब जा रहे हैं ठीक है वैन आर वी गोइंग टू यू के वैन आर वी गोइंग टू यू के हम यू के कब जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का हम यू के कब जा रहे हैं वैन आर वी गोइंग टू यू के मुझे अपना इस्तीफ़ा देना होगा अब इस्तीफा होता क्या है रेजिग्नेशन ठीक है किसी नौकरी से इस्तीफा हम देते हैं तो उसको बोलते हैं रेजिग्नेशन तो मुझे अपना इस्तीफ़ा देना होगा आई हैव टू गिव माई रेजिग्नेशन अब हैव टू हम कहाँ यूज करते हैं जब कोई चीज़ करनी पड़ती है मतलब मजबूरी में वो वाली चीज़ के लिए यूज़ करते हैं अगर मैं कोई चीज़ चाहता हूँ सो आई वॉन्ट टू गिव माई रेजिग्नेशन मैं अपना रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ लेकिन एक चीज़ मुझे करनी पड़ेगी मतलब मुझे मजबूरी है काइंड ऑफ सो मुझे अपना इस्तीफा देना होगा आई हैव टू गिव माई रेजिग्नेशन तो मैं अपनी नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है देर इज नो नीड फॉर यू टू लीव योर जॉब अब देर इज नो नीड का मतलब होता है इस चीज की कोई जरूरत नहीं है ठीक है जैसे मैं बोलूं कि इतना प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है देर इज नो नीड टू शो दिस मच ऑफ लव ऐसे हम बोल देंगे ठीक है उसको खाना देने की कोई जरूरत नहीं है देर इज नो नीड टू गिव हिम द फूड ठीक है ऐसे बोलते हैं सो so, तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है देर इज़ नो नीड फॉर यू टू लीव योर जॉब देर इज नो नीड फॉर यू टू लीव योर जॉब हम कहीं नहीं जा रहे हैं वी आर नॉट गोइंग एनी वेयर वी आर नॉट गोइंग एनी वेयर हम कहीं नहीं जा रहे हैं वी आर नॉट गोइंग एनी वेयर पता नहीं मुझे क्या हो गया था आई डोंट नो वट हैपन टू मी आई डोंट नो मुझे नहीं पता अब पता नहीं कौन कैसे बोलते हैं आई डोंट नो ठीक है know, पता नहीं मुझे क्या हो गया था तो यहाँ दो सेंटेंस है पता नहीं जो है ये आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट सेंटेंस है मुझे क्या हो गया था ये आपका नॉर्मल पास्ट एंड डेफिनेट सेंटेंस है ठीक है सो पता नहीं मुझे क्या हो गया था आई डोंट नो वट हैपन टू मी आई डोंट नो वट हैपन टू मी मतलब तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार है या फिर तुम अपनी नौकरी को प्यार करती हो मतलब तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार है आई मीन यू लव जॉब मतलब आई मीन यू लव योर जॉब और तुम इसके बावजूद भी मेरे साथ आने के लिए तैयार हो अब यहाँ ध्यान से देखिए स्टिल का एक बहुत अच्छा यूज है ठीक है एक तो स्टिल का मतलब होता है अभी भी ठीक है और एक इसका अभी भी के सेंस के साथ यूज होता है इसके बावजूद अब जैसे मैं बोलूँ जैसे मैं बोलूँ कि मैंने एक लड़के को बोला कि यार तुम यहाँ खड़े रहो मैं आ रहा हूँ अब मैं भूल गया कि मैंने उसको वहाँ खड़े रहने के लिए बोला मैं वहाँ बहुत देर के बाद आया पाँच छह घंटे के बाद और वो वहीं खड़ा है तो मैंने देखा यार यू आर स्टिल हेयर तुम अभी भी यहां हो ठीक है अब एक होता है अभी भी इस चीज़ के बावजूद अभी भी और इस चीज़ के बावजूद जैसे कि मान लीजिए किसी ने आ, किसी ने मुझसे बदतमीजी की ठीक है और मैं उससे तमीज़ से बात कर रहा हूँ तो कोई मुझे आके बोले कि यार वो मुझे बोलेगा कि यार इसने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की थी एंड स्टिल यू आर गिविंग सो मच रेस्पेक्ट कि इसके बावजूद अभी भी तुम उसको इतनी इज्जत दे रहे हो ठीक है तो ऐसे तो यहाँ कह रहा है और तुम इसके बावजूद मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो मतलब तुम तो अपनी जॉब को प्यार करती हो और इसके बावजूद तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो एंड यू आर स्टिल रेडी टू गो विद मी एंड यू आर स्टिल रेडी टू गो विद मी कि तुम अपनी नौकरी से प्यार करती हो और तब भी इसके बावजूद भी तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो एंड यू आर स्टिल रेडी टू गो विद मी क्योंकि मेरा करियर जितना ज़रूरी है क्योंकि मेरा करियर जितना ज़रूरी है बिकॉज़ एज इम्पॉर्टेंट एज माई करियर इज़ ठीक है सो so जितना और उतना दोनों का सेंस साथ में लेकर चलता है ये तो so यहाँ पे जितना है क्योंकि मेरा करियर जितना ज़रूरी है बिकॉज माई बिकॉज एज इम्पॉर्टेंट एज माई करियर इज़ तुम्हारा भी जरूरी है योर्स इज इम्पॉर्टेंट टू योर्स इज इम्पोर्टेंट टू ठीक है जैसे कि मैं बोलूँ एज मच एज दिस जॉब इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी जितनी ज़रूरी मेरे लिए नौकरी है ठीक है मेरा पैशन भी है ठीक है माइंड पैशन इज टू ठीक है ऐसे हम बोलते हैं लाइक माई पैशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी तो इस उसमें पूरा चीज़ आ जाता है सो so, क्योंकि मेरा करियर जितना ज़रूरी है बिकॉज एज इम्पॉर्टेंट एज माई करियर इज़ तुम्हारा भी ज़रूरी है योर सिज इम्पॉर्टेंट टू योर सिज इम्पॉर्टेंट टू कभी कोई मुकाबला था ही नहीं कभी कोई मुकाबला था ही नहीं देर वॉज नेवर एनी कॉम्पटिशन देर वॉज नेवर एनी कॉम्पटिशन कभी कोई मुकाबला था ही नहीं ये सब मेरे दिमाग में था दिस वॉज ऑल इन माई हैड अब देखिए हेड का मतलब होता है सिर ठीक है लेकिन जो दिमाग के लिए यूज करते हैं वहाँ हैड ही यूज करड uh, ही यूज कर देते हैं ठीक है इट वॉज ऑल इन माई हैड जैसे मैं बोलूँ मेरे दिमाग में आया नहीं इट डिट कम माई हेड तो हेड भी बोल देते हैं माइंड भी बोल देते हैं कोई दिक्कत नहीं है इट वॉज ऑल इन माई हैड इट वॉज ऑल इन माई हैड ये सब मेरे दिमाग में था सो so ये था आज की वीडियो के बारे में आई होप आपको पसंद आई होगी कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है कॉमेंट बॉक्स में जाइए वहाँ पे लिखिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए थैंक यू